नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सेल्फ फिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये है 10 ORE, ये किसी टेक्नीशियन भाई ने हमारे पास सेंड किया है, ये डेड कंडीशन में भेजा है हमारे पास। और दोस्तों ये देखते हैं अभी क्या प्रॉब्लम है। ये अभी तो प्राइमरी लाइन इसका ठीक ठाक दिखा रहा है, शॉर्ट नहीं है। और बैटरी चार्जिंग भी चेक कर लेते हैं, बैटरी चार्जिंग भी ठीक ठाक ही है, हाँ होने लायक चार्ज है 3.9। और अभी इसको हॉट टेस्टिंग करके देखते हैं एक बार। पहले तो इसको चेक कर लेते हैं डी सप्लाई में लगा के कि कितना रीडिंग खा रहे, ऑन क्यों नहीं हो रहा है। अभी देखते हैं इसको ऑन ऑफ स्विच प्रेस करते हैं। हाँ 10 ORE का ऊपर की तरफ होता है ऑन ऑफ स्विच, ये देखते हैं अभी डी सप्लाई में 20 के आसपास रीडिंग लेके छोड़ दे रहा है। यानी इसका जो प्रॉब्लम है पावर सेक्शन से हो सकता है प्रॉब्लम है इसका। तो पहले देखते हैं पावर सेक्शन में, देखते रहिए वीडियो। बहुत ज़्यादा पेस्ट लगा हुआ है जिस वजह से इसका मॉडल दिख नहीं रहा है एसयू का। तो थोड़ा साफ़ कर लेते हैं, साफ़ करके देख लेते हैं कौन कौन सा मॉडल का एसयू क्या लगा हुआ है, और फिर इसको निकालते हैं। पहले तो पावर एसयू को निकालेंगे, उसके बाद इसको रिवॉल्व करके देखते हैं, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर चेंज करके देखेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा पेस्ट लगा हुआ है इसमें, सबसे पहले इसको निकालेंगे फिर रिवॉल्व करके लगाते हैं, देखते क्या होता है। We'll be right back.
बोर्ड भी साफ हो गए और पावर एसी जो है ये भी रेडी है हमारे, रिवॉल्व कर लिए है अभी लगा के बोर्ड में बैठा के, देखते हैं एसी को क्या रीडिंग आता है, क्या ठीक होता है या नहीं, देखते रहिए वीडियो। ठीक ठाक से हमने पावर एसी को बिठा लिया है, अभी देखते हैं क्या रीडिंग आता है, सेम रीडिंग आता है या ऑन होता है। ऑन हो रहा है, ये ऑन हो रहा है, अभी देखते हैं पूरा फुल्ली ऑन होता है या फिर कुछ प्रॉब्लम आता है बीच में, देख लेते हैं एक बार, पूरी ऑन करके देते हैं, फुल्ली ऑन, फुल्ली ऑन हो रहा है, सक्सेसफुली ऑन हो गया है ये, अभी देखते रहिए वीडियो और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, बस इतना ही।